हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज कोई रूटीन शेयर नहीं करूँगी आप लोगों के साथ। आज कुछ बातें करनी है, कुछ शेयर करना है आप लोगों के साथ, और कुछ ऐसा शेयर करूँगी जो बहुत दिनों से आपके कॉमेंट थे, बहुत दिनों से, और मेरा टाइम नहीं लग रहा था। आज थोड़ा सा क्या है, ब्लॉगिंग मैंने नहीं करी है, आज कोई ब्लॉग नहीं रिकॉर्ड किया है क्योंकि मेरी तबीयत खराब चल रही है करीब 2-3 दिनों से। बहुत ही अजीब सा हो रहा है तो मेरा मन नहीं हो रहा है। कल भी मैंने कोई ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया था, आज भी मैंने नहीं किया है। तो बस जो है लिमिटेड काम मैं कर रही हूँ, मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि ब्लॉग वगैरह जब भी रिकॉर्ड करने का मन करता है तब कुछ अच्छा मन हो, जब कुछ अच्छा फील करें, तो ऐसा हो नहीं रहा है। और तबीयत कोई ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं, जो है एक तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द चल रहा है, ठीक नहीं हो रहा है दवाई खाने से भी। और एक क्या है कि वोमिटिंग का मन रहता है, क्योंकि आपको पता ही है मेरा जो है गॉल ब्लेडर रिमूव हुआ था कुछ टाइम पहले। तो अब गर्मी इतनी ज़्यादा है और एसिडिटी, मतलब बहुत ही ज़्यादा हालत, मतलब डाउन सी चल रही है आजकल। कुछ भी खाने का मन नहीं होता है, वोमिटिंग का मन होता है सारा दिन, और जो है एसिडिटी इतनी बनती है, बहुत बुरी हालत है। और ब्लॉग जो है नहीं है, ज़्यादा पुराने ब्लॉग मेरे पास नहीं होते हैं। तो आज सोचा आज टाइम भी है और ब्लॉग भी नहीं है कुछ। अगर ब्लॉग के बीच में ऐसा कुछ करती हूँ तो फिर ब्लॉग रह जाता है, रोज कुछ ना कुछ ब्लॉग तैयार रहता ही है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था और मैं सब काम खत्म करके नहा धो के बैठी हूँ। काम बिल्कुल लिमिटेड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। शॉप पे भी 2 दिन से नहीं जा रही हूँ। तो आज सोचा चलिए आज क्यों ना कुछ आपके इम्पोर्टेंट सवालों के या बातों के जवाब दे दिए जाए। ज़्यादा कुछ जो है क्वेश्चन के आंसर नहीं है, ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों के, और हैं भी तो उनके जवाब यहाँ पे नहीं। एक ही पॉइंट आज लेने वाली हूँ, उसी के ऊपर आज जो है वीडियो रहने वाला है। काफ़ी बार इस बात को लेके मैसेज आया है मेरे बच्चों की परवरिश को लेके, कि आपने अपने बच्चों की परवरिश कैसे करी है, कैसे बच्चों को जो है अब तक आपने सिखाया है, कैसे किया है। तो आप लोग देख ही रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे YouTube पे, करीब 2.5 साल हो गए हैं YouTube पे मुझे। तो आप लोग मेरे बच्चों को देखते ही हो, बड़े भी हो रहे हैं साथ साथ, आप लोग देख रहे हो। और कैसे बच्चे मतलब यहाँ तक आए, कैसा मेरी और बच्चों की जर्नी रही, तो बस थोड़ा सा वही शेयर करूँगी, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं। और ऐसे ही जो है मेरी सब्सक्राइबर हैं जिनके छोटे बेबी हैं, उनके सवाल आए थे कि हमें भी जो है कुछ बताइए कि अपने बच्चों की परवरिश आपने कैसे करी है। तो बस वही, बहुत ज़्यादा तो मुझसे तामझाम आता नहीं है, आपको पता है मैं बिल्कुल सिंपल हूँ। तो सरल तरीके से, सिंपल तरीके से आपके साथ शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस जो मेरे बच्चों के साथ रहा, और यहाँ तक की जर्नी किस तरह से मैंने बच्चों के साथ तय की। तो देखिए, जैसे मेरे छोटे बच्चे थे पहले श्रेय और फिर अंश, तो मैंने एक ही तरीके से दोनों को रखा है। जैसे कि बच्चों को नहलाना धुलाना सभी करते हैं, लेकिन कुछ लेडीज ऐसी होती हैं जो कि मानती हैं कि बच्चों को कम नहलाना चाहिए, इनको सर्दी लग जाएगी, इनको ये लग जाएगा या ये हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, बच्चे को, छोटा बच्चा हो या फिर बड़ा हो, जैसे हम आदत डालते हैं वैसी उनको डलती है। छोटे से ज्यादा जो है बच्चे अच्छे से उसी माहौल में डल जाते हैं जैसे हम उनको ढालना चाहते हैं। तो उसी तरीके से छोटे बच्चे जैसे मेरे रहे 6 महीने के, साल भर के, मतलब इस तरीके से छोटे से ही लगा लीजिए आप। बच्चों को डेली नहलाएं। देखिए, बीमार बच्चा है तो अवॉइड कर सकते हैं, अगर हमारे बच्चे की सेहत बिल्कुल ठीक है तो उनको नहला धुला के बिल्कुल फिट तंदुरुस्त रखें। और सर्दियों में जरूरी नहीं है कि मतलब बच्चों को ठंडी लगती है नहाने से, बिल्कुल नहीं लगती है अगर आप तरीके से काम करें। सर्दियों में बच्चों की परवरिश मैं कैसे करती थी, जैसे बच्चों को नहलाया धुलाया, तो ऐसा नहीं करती थी कि आज नहीं, कल नहीं, परसों, मतलब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कभी मैंने ऐसा नहीं किया है। ना मैंने अपने साथ किया है खुद के ऐसा कि मैं कभी नहाए बगैर रही हूँ। तो मैं भी
चाहे मुझे बुखार ही है, मैं नहाए बगैर नहीं रह सकती। तो ऐसे ही मैंने अपने बच्चों को किया है। देखिए, ये नहीं कहूंगी कि बहुत तेज फीवर से बच्चे तप रहे हैं या बिल्कुल उसमें आप पानी में उनको डुबो दो, ऐसा नहीं है। बच्चे की तबीयत ठीक है, बच्चे पूरी तरह से ठीक है, तो उनको आप नहलाइए, गुनगुने पानी से नहलाइए और साथ में उनका जो है अच्छे से उनको कपड़े पहनाइए। बहुत ज्यादा कपड़े पहना देते हैं उनको बच्चों को जो है, फिर वो बहुत ज्यादा कपड़े उतारते हैं तो उनको हवा लग जाती है। बहुत ज्यादा कपड़े भी नहीं बच्चों को पहनाने चाहिए और बहुत ज्यादा कम भी नहीं पहनाने चाहिए। मतलब उस तरीके से नहलाए धुलाए, तो उनको अच्छे से ध्यान रखे। बच्चों को ठंड नहलाने से बिल्कुल भी नहीं लगती अगर उनको हम तरीके से करें। फटाफट से बच्चों को नहलाए गुनगुने पानी में, तौलिया से पोंछे अच्छे से और फटाफट से उनको कपड़े पहना दे, गर्म कपड़ा पहना दे साथ साथ, तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। आजकल तो घर सबके बंद होते हैं, कहीं बाहर तो नहलाना है नहीं। गांव में पहले खुले घर हुआ करते थे तो हो जाता था, लेकिन अब सबके घर बंद बंद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस तरीके से मैंने उनको रखा है बहुत ही साफ सुथरे तरीके से। मेरे बच्चों को सब पसंद करते थे पहले से ही, सबको बच्चे जो है खिलाने का मन होता था। तो साफ सुथरे बच्चे रहते हैं तो दूसरा इंसान ना, सामने वाला, अपने आप ही बच्चे को खिलाने का मन करता है, उनसे बातें करने का मन करता है और बच्चे भी थोड़ा सा ठीक रहते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। एक बात लगा लीजिए, अगर हम बच्चे को 3-4 दिन नहीं नहलाएंगे, एक तो बच्चे में स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, फिर बच्चे को अगला बंदा भी पसंद नहीं करेगा, उसको भी मतलब स्मेल चढ़ेगी, वो नाक चढ़ाएगा, ये तो बड़ा मतलब अजीब सा महक आ रही है बच्चे में। तो ऐसा कभी ना करें अपने बच्चों के साथ, कभी भी ये मत सोचे कि बच्चा बीमार हो जाएगा, बहुत ज्यादा सर्दी है, बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप आदत ऐसी बना के रखेंगे, हाँ अगर आप आदत ऐसी बनाएंगे कि 4-6 दिन में बच्चे को नहलाएंगे तो वो जरूर बीमार पड़ेगा, मेरा मानना ये है। ये जो मेरा मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वही शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा जो है इस तरीके की वीडियो बनाती हूँ या मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे आपके सामने हैं, जो जैसे हैं वो आपको दिखते हैं, और तो वो उसी तरीके से मैं शेयर करूंगी, तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बस फिर बच्चों को जो है दूध वगैरह पिलाए खिलाए अच्छे से, जो भी आप खिलाना चाहते हैं। आजकल तो जो है खाने की बच्चों की चीजें रेडीमेड भी इतनी आती हैं, पहले क्या होता था, श्रेय छोटा था तो सरलैक वगैरह मैं खिलाती थी, अलग अलग फ्लेवर में आता ही है, अब भी आता है, तो बच्चों को दूध वगैरह पिलाया, बच्चों को सुलाया। तो इस तरीके से बच्चों की करें, और फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, थोड़ा थोड़ा बच्चे बड़े होना शुरू होते हैं तो ऐसे ही उनका जो है फिर स्कूल भी शुरू होता है, तो बच्चों को एक तो थोड़ा सा टाइम दे, जरूर दे। तो ये है कि थोड़ा सा बच्चों को टाइम देना पड़ता है, बच्चों को खिलाए नहलाए धुलाए बैठे उनके पास, तो छोटे से ही बच्चे की आदत ऐसी बन जाती है। तो अब बच्चे का जो है स्कूल जाना शुरू होता है, स्कूल की बात खासकर है यहाँ, छोटे तो चलिए सभी करते हैं, स्कूल की बात ये है, जैसे ही बच्चा हमारा स्कूल जाना शुरू होता है, बच्चे को अच्छे से टाइम दे, बच्चों को प्यार से रखे, प्यार से बोले, ऐसे नहीं कि स्कूल से आया उन पर ध्यान ना दे, कोई बात नहीं है, उनका होमवर्क जैसे ही भले थोड़ा है उनके पास बैठे, उनको टाइम दे, प्यार से बोले, अपने पास बिठाएं, हम टीवी देख रहे हैं बच्चों को अपने पास बिठाएं, भले ही मतलब बच्चे देखे ना, लेकिन अपने पास बच्चों को हमेशा, ये नहीं कि मम्मी सो रही है बच्चे कहीं बैठे हैं, तो बच्चे इस तरह से अच्छे परवरिश नहीं होती है। हमेशा मैंने अपने बच्चों को अपने पास रखा है, अगर मैं लेटी हूँ तो अपने पास बिठाया है उनको, अगर मैं बैठी हूँ उनको बैठ के होमवर्क कराया है, उनको सिखाया है, तो इस तरीके से। और ऐसी ही आदत बच्चों को बड़े तक मेरे रही है। मैंने खाना जो है, मैंने भी नहीं खाना खाया जब तक मेरे बच्चे स्कूल नहीं से नहीं आते थे, उनके साथ खाना खाना, उनको अच्छे से पेट भर के खिलाना, वो अपने हाथ से नहीं खा रहे हैं, अपने हाथ से खिलाना, तो मेरे बच्चे इसी तरह से जो है मेरे पास ही खाना खाते थे, मतलब अपने पापा के साथ मेरे साथ इस तरीके से। जैसे बच्चे स्कूल से देर से आते हैं तो मैं कभी भी खाना नहीं खाती थी, हालांकि कोई भी मम्मी नहीं खाती है, लेकिन बस मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ अपना एक्सपीरियंस जो मैंने किया है, आपने पूछा इसलिए कर रही हूँ। तो इस तरीके से फिर क्या हुआ, आजकल तो ये चला हुआ है कि बच्चों को ट्यूशन छोड़ देती है मम्मा, खुद सो जाती है या घूमने निकल जाती है, ब्यूटी पार्लर निकल जाती है या फिर किटी पार्टी निकल जाती है। तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने कभी किटी पार्टी वगैरह नहीं ज्वाइन किया है कभी भी। तो मेरा यही था, मैं ना सोऊंगी ना कुछ करूंगी, मैं अपने बच्चों को टाइम दूंगी, उनका होमवर्क कराऊंगी। कई बार ऐसा होता है कि मतलब बच्चों की बुक्स आजकल इतनी हाईफाई आ रही हैं, पहले नहीं थी, हमारे टाइम पे नहीं थी, तो हम नहीं कर पाते हैं कई बार जब बड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, मैं उनके पास बैठी, बच्चों ने खुद किया,
लेकिन उनको हमेशा टाइम दिया। बच्चे मेरे कभी भी ट्यूशन नहीं गए हैं, मैंने कभी भी अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं भेजा है। 10th क्लास में मेरे बच्चे पहली बार ट्यूशन गए हैं, आज फिलहाल 10th क्लास में है, उसका ट्यूशन मैंने अभी लगाया है। और जो है श्रेय भी 10th क्लास में ही पहली बार ट्यूशन गया था, 11th में उसने फिर नहीं किया, 10th में किया है और अब 12th में किया है, 12th उसकी हो चुकी है। तो बिना ट्यूशन के बच्चे घर पे पढ़े हैं, उनकी इस तरह से मैंने परवरिश करी है। लेकिन बस सबसे मेन पॉइंट यही था कि मैं अपने बच्चों के पास बैठती थी, मैं सोती नहीं थी दोपहर में। जैसे मम्मी सो जाती हैं, बच्चे अलग खेलते रहते हैं, कुछ भी कर रहे हों दोपहर में, फोन में लगे हों, टीवी में लगे हों, तो ऐसा मैंने कभी भी नहीं किया है। मैं हमेशा अपने बच्चों को पास लेके बैठती थी, साथ लेके बैठती थी, साथ खाना पीना, लेटना बैठना, उनको सुलाना, उनको जगाना, ये मेरी पूरी ड्यूटी होती थी और यही सब माओ की होनी चाहिए। तो जैसे उनका होमवर्क वगैरह हो गया, बच्चे खेल लो, थोड़ा बहुत बच्चों को खेलने दे। ऐसा तो नहीं है कि पूरा दिन बच्चे गेम खेल रहे हैं तो गेम ही खेलने दे, फोन में लगे मैं पूरा दिन फोन में लगे रहने दे, तो ऐसा मैंने कभी नहीं किया। टाइम लिमिट होता था टीवी देखने का भी, पढ़ने का भी, खाने का भी, सब कुछ टाइम। उससे क्या है, बच्चा सही लाइन पे रहता है, सही तरीके से पढ़ता लिखता है। अगर हम बच्चे पे ध्यान नहीं देंगे, बच्चा कब से गेम खेल रहा है तो खेलने दो भाई, अरे बढ़िया है, मैं लेट जाऊं, मैं सो जाऊं, तो ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है। आजकल तो यही हो रहा है कि मतलब ट्यूशन छोड़ के आ गई, भले ही बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनका होमवर्क हुआ है नहीं हुआ है, ड्यूटी सिर्फ इतनी सी है, बच्चों को ट्यूशन छोड़ने गए और लेके आ गए। जब छोटे बच्चे होते हैं फिर ये भी तो देखना होता है उनका होमवर्क कितना हुआ नहीं हुआ, तो इतना तो हम घर में कर सकते हैं। लेकिन आजकल चल रहा है ये, देखिए मैं गलत नहीं बोलूंगी कि मतलब ये कुछ गलत है, लेकिन इतना मम्मियां कर सकती हैं, सब मम्मी घर पे कर सकती हैं। और रही बहुत से मतलब मम्मी ऐसे बोलती हैं कि बच्चे डरते नहीं हैं हमसे, बच्चे मैडम से डरते हैं स्कूल में। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों को जैसे आप रखना चाहेंगे वैसे बच्चे रहते हैं, बच्चे हमसे भी डरते हैं। और डरना, डर एक अलग चीज है, समझना एक अलग चीज है। बच्चे हमें समझेंगे अगर हम उनको टाइम देंगे, अपना टाइम, हमारा भी टाइम है, हमें भी सोने का मन होता है, काम करते हैं पूरा दिन, थक जाते हैं, लेकिन बच्चों को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एक हमारा काम का हिस्सा है, टाइम है वो उनका, तो उस टाइम पे जो है उनको टाइम मिलना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे अब स्कूल से आए, मम्मी तो सो गई, भाई थक गई थी मैं तो काम करते हुए, अब मैं सो जाऊं, तुम चाहे जो कुछ भी करो, खाना उनके आगे रखा और सो गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, किसी का भी नहीं होना चाहिए। तो बच्चों को टाइम देना बहुत जरूरी है। स्कूल से बच्चे आए हैं, जब तक हम अपना काम खत्म करें फिर बच्चों को टाइम दें, उनका होमवर्क कराएं, उनको सुलाएं, उनको टाइम से जगाएं, और जब उनका खेलने का टाइम आता है तो उनको खेलने का टाइम दें। अब बात आती है, थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, आजकल फोन सबके पास होता है, अब तो लॉकडाउन से लगाकर अब तक का यही चला है कि ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, सबके पर्सनल फोन हो गए हैं। तो मेरे बच्चों के पास तो जो है पर्सनल फोन नहीं थे, घर के फोन से मेरे बच्चे क्लास करते थे। हालांकि लॉकडाउन में भी क्लास चली है, ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए थे उनकी क्लास नहीं चलती थी। हाँ, श्रेय का लैपटॉप हो गया था लेकिन वो फिर भी फोन में ही करता था। तो घर के फोन श्रेय को मिला है 12th क्लास में अपना पर्सनल फोन, और अंश को भी नहीं मिला है। तो ऐसा है, अब पर्सनल फोन सबके पास होते हैं, मैं ये भी गलत नहीं कहूंगी क्योंकि सबके घर में इतने फोन नहीं होते हैं। चलिए मेरे घर में 2-3 फोन थे तो उनका काम हो जाता था, दो ही फोन थे मेरे, दो फोन, एक से आपको पता ही है मेरा बिजनेस का काम चलता है, मेरी वीडियो भी होती है, तो मेरे पास दो फोन थे तो दोनों बच्चों का काम चल जाता था। लेकिन अब श्रेय का तो हो ही गया अपना पर्सनल, अंश के पास अभी कोई पर्सनल फोन नहीं है, 10th क्लास में अंश है। तो ये भी मेरा मानना है कि मतलब जहां तक काम चलता है बच्चों का फोन के बगैर ही काम चलना चाहिए। अगर घर में मम्मी का फोन है तो वो बच्चों के काम आ सकता है, लेकिन आजकल की मम्मियां भी अलग फोन रखती हैं, नहीं मेरा तो मेरे काम ही चलेगा, मैं बच्चों को नहीं दे सकती, मेरा ही काम चलता है मेरे फोन से। तो ऐसा मेरे साथ नहीं होता है बिल्कुल भी, और ना मुझे ऐसा कोई ज्यादा काम फोन में रहता है। मेरे ऐसे ही अपने घर के काम इतने होते हैं, इतना टाइम नहीं मिलता है, बच्चे उससे कर सकते हैं। लेकिन आपका बजट है, अलग अलग बच्चों को फोन प्रोवाइड करा सकते हैं तो बिल्कुल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनका ध्यान रखिए, बच्चे किस टाइम फोन में है, किस टाइम क्लास कर रहे हैं, किस टाइम बच्चे सो रहे हैं, किस टाइम जाग रहे हैं, ये मेन पॉइंट बनता है बच्चों की 10th क्लास 9th क्लास से। आजकल बच्चे जो है इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि बच्चे किस टाइम क्या कर रहे हैं, तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। और मैंने हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखा है, मैं बच्चों को टाइम से सुलाती हूँ, टाइम से जगाती हूँ। अंश थोड़ा लेट उठता है लेकिन श्रेय हमेशा टाइम से सोता है, टाइम से जागता है। मैं सोती हूँ तो अंश को भी साथ में सुला लेती हूँ।
लेकिन श्रेय हमारा सबसे ज्यादा जल्दी सो जाता है। मैंने देखा आजकल बच्चे, मम्मी सो जाती हैं, बच्चे फोन में लगे पड़े हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इतना ध्यान बच्चों का होना चाहिए, बच्चे किस टाइम पे क्या कर रहे हैं। मैंने देखा है कि मम्मियों को ये भी नहीं पता होता कि बच्चों की ऑनलाइन क्लास आ किस टाइम रही है। मम्मी सोई है, सुबह बच्चों की 6 बजे आ गई, 6:30 बजे आ गई, मम्मी को पता ही नहीं है कि क्लास आई भी है, बच्चों ने करी भी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया। बच्चे बाद में उठने चाहिए, मम्मी को उनको जगाना चाहिए, उनकी क्लास का ध्यान रखना चाहिए। खैर मेरे तो बड़े बच्चे हो गए हैं, मैं तो बड़ों का भी ध्यान रखती हूँ, अंश का ध्यान रखती हूँ कि किस टाइम उसकी क्लास है किस टाइम नहीं है। बच्चे सो जाते हैं, नहीं नींद खुलती है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें बच्चों को आज सोना। आजकल इंस्टा फेसबुक का इतना ट्रेंड चल रहा है बहुत ज्यादा, तो बच्चे उसमें बहुत ज्यादा घुसे हुए मैंने देखे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम बच्चे ऐसी चीजों को यूज करें, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दें। रही अपने बजट की बात, भाई जितना अपना बजट है उतनी फैसिलिटी बच्चों को मिलती है, जो जरूरी है वो बच्चों को फैसिलिटीज देनी चाहिए। जो जरूरी है, जो लगता है कि बच्चों को इसकी जरूरत है, ऐसा नहीं है हमारे पास बहुत पैसा है, जो बच्चे बोल रहे हैं वो करते जाओ करते जाओ, जी नहीं। खैर हमारा इतना बजट नहीं होता, हम सोच समझ के ही करते हैं और बच्चों को वही जो है करने की कोशिश करते हैं उनके लिए कि हाँ वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, वो जायज है जो वो बोल रहे हैं, तो वही करें। कई लोग होते हैं, देखिए बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, तो ये भी नहीं सोचते कि बच्चों को क्या देना है क्या नहीं देना है। जो बच्चों ने एक बार जबान निकाल दी तो वो दे दिया कर दिया, तो देखिए इससे बच्चे थोड़े से ना गलत राह पर चले ही जाते हैं। जब तक हमें ये ना लगे कि बच्चे को इस चीज की जरूरत है, तब तक उसको वो चीज नहीं देनी चाहिए। आपके बच्चे की कोई हॉबी है, मान लिया आपको लग रहा है कि नहीं भाई, जैसे मेरे अंश का ले लीजिए आप, उसको गिटार सीखना था तो उसको हमने गिटार दिया था, बड़े को नहीं सीखना था उसे तो हमने नहीं दिया क्योंकि अंश को सीखना था। अगर अंश बोलने लगे हमें भाई गिटार से बढ़ के आप मुझे बहुत बड़ी सी चीज दे दो, ये दे दो वो दो, जब वो सीखेगा ही नहीं तो उसको हम क्यों देंगे। तो बस उतना ही करें जितना लगता है कि बच्चे को इसकी जरूरत है, उतना करना चाहिए। अब आजकल फोन बच्चे जो है लाख लाख दो दो लाख के फोन लिए घूमते हैं, उनका इतनी महंगी जरूरत ही नहीं है भाई। फोन जरूरी है, आप 10-20 हजार का दे सकते हैं, 30 हजार का दे सकते हैं, चलो भाई मैं बोलती हूँ कि कुछ लोग बड़े होते हैं तो जरूरी नहीं है उनको आप 50 हजार लाख का ही फोन दे, काम कम से भी चल सकता है। लेकिन ये चलिए बड़े लोगों की बात है, मैं फिर वही बोलूंगी कि अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जो हमारे बजट में है और जो बच्चों की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ उतना ही करना चाहिए। तो इस तरह से आपके बच्चे बिल्कुल सही लाइन पे रहेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अपने बच्चों को अपने पास लेके बैठे, अपनी गृहस्थी जैसे हम आपस में बात करते हैं वो बच्चों को पता होना चाहिए, बच्चों से सारी बात जानना चाहिए। स्कूल में कुछ हुआ है तो उसमें बच्चों से सारी बात पूछना जानना वो बहुत जरूरी है। स्कूल में कोई बात हो गई, बच्चे छुपा रहे हैं, हमें कुछ महसूस हो रहा है, तो वो बात जरूर जाने स्कूल में, चाहे स्कूल में जाके ही हमें पता करनी पड़े। हालांकि मेरे बच्चे ऐसे नहीं है, वो हर एक बात हमसे शेयर करते हैं, और मम्मी पापा को बच्चों की सारी बातें सुननी भी चाहिए, अपनी सारी बातें उनसे शेयर भी करनी चाहिए। भाई अपना जो हमारा बजट है वो बच्चों से छुपा नहीं होता है, जो हमारे घर के हालात हैं जैसा भी हो चाहे किसी का, तो वो बच्चों के साथ पूरा शेयर करना चाहिए। इस तरीके से ना बच्चे थोड़ा सा बिगड़ने की राह पर नहीं चलते हैं, सही राह पर चलते हैं। उन्हें पता है मम्मी पापा कितनी मेहनत करते हैं, किस तरीके से करते हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए। अगर उनके बोलते ही हम कुछ ना कुछ उनको देते जाएंगे, आज उन्होंने फोन बोला, आज 50 हजार का बोला, नहीं मम्मी ये तो अच्छा नहीं है, नहीं पापा ये तो अच्छा नहीं है, हमें तो लाख का चाहिए, हमें तो इतने का चाहिए, तो वो बिल्कुल गलत है। और मम्मी पापा सोचते हैं चलिए भाई दोस्तों का सवाल है, बच्चे क्या बोलेंगे, तो उतना ही करें जितना जरूरी है, जितने में उनका काम चल सकता है। बच्चे तभी जाके आज जमाने में सही लाइन पे रहते हैं। तो ये सब ध्यान रखते हुए यहाँ तक जो है बच्चों का सफर रहा, एक 12th में है, एक 10th में है, बच्चे बहुत अच्छे तरीके से जो है अपनी एजुकेशन को लेके चल रहे हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई को लेके चल रहे हैं। जैसे कि मतलब हमारी मिडिल क्लास फैमिली है, बहुत ज्यादा बहुत वो भी नहीं है कि मतलब हम बच्चों का जवान निकले और हम पूरा कर देते हैं, लेकिन कोशिश यही करते हैं अगर वो जायज है, हमें लगता है ये जरूरी है तो वो हम करते हैं। बस ये है कि बच्चों का मन जरूर रखें, बच्चों का मन उदास ना होने दें।
कोई चीज की बच्चे की चाह है तो वो करनी चाहिए। अब बच्चे का मन है और लगता है हमें नहीं, ये तो होना चाहिए। तो हर माँ बाप को पता है कि बच्चा किस लिए बोल रहा है, तो वो तो सभी माँ बाप अपने बच्चे के लिए करते हैं, अपनी हैसियत से ज्यादा करते हैं। तो बस ऐसे ही हमने किया, सब कुछ ऐसे ही किया और बहुत बहुत अच्छे हैं मेरे बच्चे। थैंक यू सो मच, आप भी बच्चों की बहुत तारीफ करते हो, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं मेरे जो है बिजनेस में भी, मेरे घर पे भी, तो घर के काम में भी पूरा सपोर्ट करते हैं बच्चे। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू इतने अच्छे बच्चे देने के लिए। और हर माँ को मैं तो यही बोलूंगी, इसी तरह से अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए, हर बच्चे इसी तरह से होने चाहिए जैसे कि मेरे बच्चे। अभी तक मेरे बच्चों में कमी नहीं है कुछ भी, वैसे तो माँ बाप के बच्चे सभी अच्छे होते हैं, लेकिन बस यही बोलूंगी हर माँ बाप के बच्चे अच्छे होने चाहिए, अपने माँ बाप का सम्मान करें, और जो माँ बाप हैं वो बच्चों की अच्छे से परवरिश करें, अच्छे से उनका ध्यान रखें। यही थी आज की वीडियो। वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया हो, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो वो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। हालांकि मैंने कुछ बुरा बोला तो नहीं है, मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है, जो कि आपने बोला था जो मैंने किया वही शेयर किया जो मैं करती हूँ। अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करेंगे जैसे जैसे लाइक करेंगे वैसे वैसे मैं मोटिवेट होंगी और मुझे पता लग जाएगा कि आपको वीडियो पसंद आई है या नहीं आई है, और मेरी इस तरह की जो है वीडियो आपको अच्छी लगती है नहीं लगती है तो वो भी जरूर बताइएगा। आएगी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।